नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। चार अफ्रीकी देशों की यात्रा के बाद मोदी स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के साथ संबंध और मजबूत करने के लक्ष्य से की गई चार देशों की आधिकारिक यात्रा के बाद मंगलवार सुबह स्वदेश लौट आए। मोदी चार देशों के अपने दौरे के अंतिम पड़ाव केन्या की यात्रा के बाद दिल्ली लौटे। उन्होंने इससे पहले मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम अफ्रीकी यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा में अहम मुद्दों पर वार्ता एवं समझौते हुए। मोदी ने सोमवार को केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याता के साथ बातचीत की थी। बातचीत में दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने रक्षा एवं सुरक्षा और दोहरे कराधान से बचाव समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। अमेरिका ने कहा कि कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है और सभी पक्षों को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में भड़के तनाव का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने कश्मीर में भारतीय बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें देखी है और हम हिंसा से चिंतित है। हम सभी पक्षों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की दिशा में काम करने को प्रोत्साहित करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने इस मुद्दे पर भारत से बात नहीं की है क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है। गिरफ्तारी से डरा जाकिर नाइक, भारत लौटने का इरादा टाला। अपने भाषणों को लेकर विवादों में घिरे इस्लाम के उपदेशक जाकिर नाइक ने गिरफ्तारी के डर से मुंबई लौटने के बजाय एक अफ्रीकी देश के लिए उड़ान भरने का निर्णय लिया है। ऐसा माना जा रहा था कि नाइक मक्का से सोमवार को भारत लौटेंगे। नाइक ने मुंबई लौटने पर गिरफ्तारी की आशंका के अंतिम क्षणों में अपनी योजना में बदलाव करते हुए मुंबई आने के बजाय एक अफ्रीकी देश जाने का निर्णय लिया। इससे पहले नाइक ने कहा था कि वो सोमवार को मक्का से मुंबई लौटेंगे और मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नाइक ने स्काइप के जरिए सऊदी अरब से प्रेस सम्मेलन करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर इसे रद्द कर दिया गया।